दलितों के ऊपर हुए अत्याचार के विरोध में कांग्रेस के द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर के कांग्रेस इकाई के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मौन के रूप में किया गया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के नगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी ने किया। कांग्रेसियों का कहना है कि सरकार दलितों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया इख्तियार कर रही है, जो कि कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी ने बताया, आज हम लोगों का जिला महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में हम समस्त कांग्रेस जन अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के आह्वान पे देश के सभी जिला मुख्यालयों पे हम लोग आज उपवास के रूप में देश के अंदर दलितों के ऊपर जो आए दिन अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, उनको जो एक संवैधानिक अधिकार जो संविधान में प्रदत्त है उसको खत्म करने का केंद्र सरकार द्वारा एक उचित जो प्रयास किया जा रहा है। और पिछले 2 तारीख को भारत बंद के दौरान जो भी तमाम ऐसे निर्दोष दलितों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए, उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उसमें कई आंदोलनकारी शहीद भी हुए, उन समूह सभी चीज़ों का विरोध करने के लिए हम समस्त कांग्रेस जन टाउन हॉल स्थित महारानी लक्ष्मीबाई पार्क में एकत्र हुए हैं और उपवास के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। को संवैधानिक रूप से नैतिक रूप से जो एक दलित भाई हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, शोषित वर्ग है, उनको जो एक कूटनीति के तहत उनको जो अधिकारों से वंचित करने का काम किया जा रहा है या उनके ऊपर जो अत्याचार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके विरोध में हम समस्त कांग्रेसजन यहां पर उपवास के माध्यम से एक विरोध प्रकट कर रहे हैं और केंद्र और प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हैं वो ऐसे लोगों के ऊपर जो इन घटनाओं में लिप्त हैं, जो दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो फर्जी मुकदमे उस आंदोलन के दौरान दलितों के ऊपर लाने गए हैं या जो लोग शहीद हुए हैं उनको एकदम उनके साथ न्याय किया जाए, फर्जी मुकदमे को तत्काल वापस लिया जाए। नहीं तो हम कांग्रेसजन ये जो संघर्ष की आज प्राथमिक चरण के रूप में हम लोग उपवास पर बैठे हैं और उसके बाद कर्मशः हम लोग धरने के रूप में, प्रदर्शन के रूप में, गिरफ्तारी के रूप में या जहाँ भी जितने आगे जाके हमको संघर्ष करना पड़ेगा और चूंकि संघर्षों का इतिहास रहा कांग्रेस उसे भी संघर्ष त्याग और बलिदान की नींव पर खड़ी हुई एक पार्टी का नाम है, तो निश्चित रूप से हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को चैन से नहीं बैठेंगे।